तो अभी हो गई सुबह और इट्स बीन रेनिंग सिंस कब 6 बजे से। हाँ साहब, बहुत बारिश पड़ रही है भाई साहब, पूरे खेत गीले हो गए जैसा वेडिंग प्लान कर रहा था पूरा। भाई साहब इतनी बारिश पड़ गई कि जो बोला था डेकोरेशन कल हुई थी, उन्होंने बोला था कि आज तो और अच्छा टेंट लगाएंगे हम। हमें भी बोला, भैया ने बोला कि तो सिर्फ 25% है, और बारिश ने तो शायद 25% को भी ख़राब कर दिया। अभी देखते हैं क्या इंतजाम करेंगे खाने पीने का, अभी सब रहना कीचड़ फीचड़ हो जाएगा। बहुत बारिश हो गई यार, बहुत गलत हो गया है। ये सब बेचारे बहुत परेशान है बारिश को देख के। हम सब बारिश के लिए रुखी हो रहे हैं, बोल रहा बारिश पड़ गई, वाह पकौड़े खाने में मजा आएगा। चलो बिंजोलॉजी नाश्ता करने चलते हैं, आलू के पराठे लगे हुए हैं विद बटर। बिंजोलॉजी को बहुत खाना है ना, बारिश रुक नहीं रही, रुक गई वैसे तो। बस देखो मौसम साफ हो जाए तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट होता है, नहीं तो खाने का रोड पे करवाएंगे। मिंटू भाई आ गए देख। अरे मिंटू भाई कहाँ है? अरे मिंटू भाई, मिंटू भाई आ गए। तो बारिश की वजह से जो नाश्ता का इंतजाम था टीन के नीचे ही करा है सभी पे भी। चलो हम भी खाना खाते हैं, चला जाए सोनू। तो इधर लगा हुआ है नाश्ता अपना। मौसम जैसा से थोड़ा खुला है, थोड़ा हल्का फुल्का साफ हुआ। और अभी क्या कर रहे हैं, जिधर बरातियों को स्टे कर रहे हैं वहाँ हम पहुँचवा रहे हैं कुछ कुर्सियाँ और थोड़े टोलियाँ वगैरह हैं, कुर्सी मग्गे वगैरह हैं, मतलब मग वगैरह हैं नहाने के लिए उनके लिए, तो वही सामान जा रहा है बस अब। हाँ मौसम खुल तो गया वैसे। पकड़ ले तो चेहरा भी नहीं दिख रहा उन लोगों के स्टे के लिए, यहाँ बंदोबस्त किया हुआ है। और अभी हम बाल्टी वगैरह रख रहे हैं, साबुन वगैरह रख दी। इधर बरातियों के लिए थोड़ा नाश्ता पानी के लिए इंतजाम कर रहे हैं, टेंट वगैरह लगा रहे हैं, थोड़ा नाश्ता पानी होगा, फिर रात को बात वहाँ पे हमारे घर के लिए निकलेगी। हो गया कुर्सियाँ उनके लिए नाश्ता वगैरह का, दिन का खाना होगा इधर। बाकी ठीक है, सब आ रहे देखने की नुमाइना लेने। तो हम अभी इधर बराती आ गए, उनको देख के आते हैं। इधर ही हाँ, खोल गेट पूरा, खोल दो गेट पूरा, खोल दो। अपनी बारात आ चुकी है, मतलब अपनी क्या है ये बस। हाँ अब सीने सो रहा कि पूरे टाइम तो मिल नहीं पा रहा, जहाँ जहाँ लग रहा है और बाद में जोड़ेंगे आराम से। बरातियों को हमने उनके रूम दिखा दिया, अंदर करवा दिया है, अब उनका नाश्ता पानी का इंतजाम कर रहे हैं। और ये हमारे मिंटू भाई है ना, मिंटू भाई आ जाओ। तो उधर लोग वो खाना वाना खा रहे हैं, उनका मतलब रिफ्रेशमेंट चल रहा है थोड़ा, उसके बाद दिन का खाने का इंतजाम करवाएंगे। और इधर ये भैया लोग हैं हमारे, आधे जा रखे हैं वहाँ टॉयलेट के लिए भट्टी वगैरह लेने। अब भट्टी आ गई ट्रैक्टर में, भट्टियाँ और आ गई। तो सुबह बारिश पड़ गई उससे दिक्कत हो गई, तो ये भाई लोग पानी वगैरह निकाल रहे हैं इधर। अभी हमें उधर 25 रोटियाँ पहुँचवानी है पैक करवा के, तो बस वही चल रही है। अब बाकी बाकी भाई लोग पहुँच गए गद्दे लेके सब वहाँ, बाकी अरेंजमेंट चल ही रहा है जितना हो पा रहा है। तो बेदी सज चुकी है जहाँ फेरे होंगे रात को, तो इधर होंगे फेरे हमारे। इधर नाश्ता तैयार हो रहा है बरातियों को, मतलब शाम का नाश्ता करा के फिर बरात के लिए वहाँ उसके लिए रेडी हो रहे हैं हम, बस उठा के। तो अभी हो गई है शाम और हम लोग भी जाके तैयार व्यार होते हैं और फिर बरात स्वागत के लिए तैयारी करते हैं। चलो फिर मिलते हैं, टिल देन सब्सक्राइब द चैनल।